अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, ये ना एक आंटी आई हुई थी हमारी तरफ, मेरी मामा की तरफ। मैं भी उधर ही गई हुई थी। वो मैं आजकल डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ, तो मुझे डेली तकरीबन डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। तो ये वो लेके आई थी कि हमने सेल करना है, और पता नहीं ये उनकी बहू का था, तो उसने शादी पे पहना था या पता नहीं शादी के बाद पहना था, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता थी। बस ये पता था कि वो ये सेल करने के लिए आई थी। तो काम अच्छा था, लेकिन कपड़े का मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी कि ये टिशू के ऊपर हुआ हुआ था। और फिर अगर ये जस्ट टिशू में हुआ होता ना, तो ट्राउज़र ना हुआ होता तो अच्छा लगता, लेकिन ट्राउज़र भी टिशू का ही था। और ये जो ऊपर इन्होंने वो डॉट लगाए हुए हैं ना, जिसे छट्टा बोलते हैं नगों का, ये ना लगा होता तो शायद थोड़ा डिसेंट लगता। बाकी काम प्यारा था, कलर प्यारा था, काम का हर चीज़ साफ़ सुथरी थी, लेकिन ना वो नहीं अच्छा था। ये डॉट जो लगे हुए हैं ना, ये नहीं अच्छे थे। ये ट्राउज़र था, और ट्राउज़र ये भी ऑर्गेन्जा पे ही बनाया हुआ था टिशू पे। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जिसने पहना वो उसने कैसे पहना होगा कि टिशू का ही ट्राउज़र, वो पता फूल जाता है टिशू, और उसके नीचे लाइनिंग भी लगी हुई है। वो आपकी बॉडी अगर 10 है ना, तो वो आपको 15 दिखाती है अगर आप ऑर्गेन्जा पहन लेते हैं। तो ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, दुपट्टे के ऊपर भी काम था सर वाली साइड पे। तो वो ये सेल करने के लिए आई हुई थी, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा देखती हूँ, वीडियो बनाने लग गई साथ साथ। ये मैं फिर डेंटिस्ट के पास ले गई, यहाँ पे लाइट नहीं थी, और फिर उन्होंने जनरेटर वगैरह ऑन किया, लाइट आ गई। ये फिर मैंने अपना चेकअप वगैरह करवा लिया था, और डॉक्टर साहब मेरी मेडिसिन वगैरह लिख रहे थे। और उसके बाद घर आई मामा के पास, तो फिर ये पार्सल आया हुआ था। ये मेरी छोटी सिस्टर का ना सूट था, जो मेरी दरमियान वाली जो मेरे से छोटी है ना, उसने ऑर्डर किया हुआ था सबसे छोटी सिस्टर के लिए। तो ये बस एकदम आया, तो मेरे होते ही आ गया था। तो फिर हमने ये पार्सल ओपन किया, इसके अंदर बड़ा प्यारा सा ड्रेस था, ये उससे खुल नहीं था ना, तो फिर उसने सोचा कि मैं दूसरी तरह खोलती हूँ। ये ना पिछले साल सर्दियों में भी मेरी मामा और मेरी जो मेरे से छोटी वाली सिस्टर हैं जो इस्लामाबाद रहती है, उसने ना ये लिया था पहले, तो मामा लोगों को अच्छा लगा था। तो अब ये मेरी छोटी सिस्टर के लिए भी मामा लोगों ने ले लिया। तो ये जिंक कलर बॉटल ग्रीन कलर था, और ऊपर ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और प्यारा लग रहा था। ये शॉल थी, काफ़ी बड़ा ये मतलब शॉल का कपड़ा था, लेकिन ये था कि मैं इस तरह के हैवी कपड़े नहीं पहन पाती। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं पहन लूँ, तो मेरे से नहीं पहने जाते हैं, पर फिर मेरी छोटी बहन को पसंद था, तो उसने रख लिया। उसने कहा ठीक है, ये मेरा ही है, और ऑर्डर भी उसी के लिए किया था। ये अभी हम खोल के चेक कर रहे थे कि जो मंगवाया वही आया, तो एग्जैक्टली वही आया था। और उसके बाद मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊँगी कि क्या क्या। ये शलवार थी, वो पैच था गले का, और ये जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाला था वो दुपट्टा था, और ये शर्ट है, ये शर्ट का दामन है, और ऊपर आप गला लगा लें, और ये एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये दामन था, और ऊपर वाली साइड जो है वो शर्ट की थी, और ये जो है ना ये शॉल है, ये फुल शॉल थी एम्ब्रॉयडरी वाली। और इसके लास्ट पे ना वो बंदा कर लेता है लेस वगैरह लगा के, तो अच्छे से इसको सेट वेट कर लेता। और ये शर्ट था दामन, और ये इस तरह गला लग जाए तो शर्ट बन जाएगी। अच्छा फिर मैं कह रहा आगे, फिर मैंने चावल बनाए, बॉयल्ड राइस बनाने थे वो बनाए। अच्छा ये मेरी बेटी का हाथ है, उसको मैंने बोला था कि चावल भिगो दो, डेढ़ ग्लास उन्होंने चावल भिगो दिए, क्योंकि उन्होंने ही खाने थे, उनके बाबा ने और बच्चों ने। तो मैं तो आजकल फुल डाइट पे चल रही हूँ, मैं दो टाइम का खाना खाती थी, अब मैंने एक टाइम का खाना कर दिया, क्योंकि अब मेरी कैपेसिटी इतनी हो गई है कि मैं एक टाइम खाना खा लूँ तो मेरा पेट फुल हो जाता। तो भी मैं कोशिश करती हूँ मैं रात के टाइम मतलब शाम का जो खाना है ना वो खाऊं, और उसमें भी मैं शामी और ब्रेड वगैरह का सैंडविच बना के खा रही हूँ। आजकल रोटी चावल बिल्कुल छोड़े हूँ मैं। खैर ये अब मेरा दिल कर रहा था कि पास्ता ऐड कर लूँ, वो भी डाइट में ही आ जाता है। अब नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी बाज़ार तो पास्ता वगैरह मंगवाऊँगी या ले आऊँगी। और ये कढ़ी के साथ उन्होंने खाना था चावल वगैरह, तो मैंने चावल बना दिए थे, और कढ़ी पहले की पड़ी हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि हम इसी के साथ खाते हैं। वैसे दाल माश भी पकी हुई थी, तो अब वो खाना खाएंगे और मैं अगला व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आपने चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।